नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड गुरुचि हरियाणा। साथियों, जैसे कि पिछले लगभग एक साल से हम आपको हर खबरों से, हर गांव से रूबरू करा रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव बस्तपुर, जो पड़ोदी विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो सरपंच है वो श्रीमती सुमित्रा सैनी है, वाइफ ऑफ सुंदरलाल सैनी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि पिछली सरकार में लॉकडाउन के दौरान भी कितने उनको शासन से, प्रशासन से कितने हेल्प मिली है, गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाया है। भाई सुंदरलाल जी से आज हम जानना चाहेंगे, और गांव में ऐसा कौन सा विकास कार्य है जो रह गया है वो किसी भी कारण से। सुंदर भाई नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं बीपी न्यूज चैनल की सेंट्रल कमेटी की टीम की तरफ से और हरियाणा कमेटी की टीम की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप प्रथम बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं और आपको लगभग 9 देशों में लोग वॉच आउट कर रहे हैं। सरपंच साहब, कैसी योजना रही है आपके प्रति, ये बताइए। बहुत अच्छी योजना रही है। तो कितने क्या कुछ ग्रांट्स वगैरह आपको मिले? लगभग काफ़ी ग्रांटें मिली है, काफ़ी काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो सर काम क्या क्या हुआ थोड़ा बताइए। काम जी, आंगनवाड़ी बनी है, ऐसी चौपाल बनी है, दो एक ऐसी चौपाल रिनोवेट हुई है, एक राजीव गांधी सेवा केंद्र बना है, गांव में पार्क बना है, दो बोंड खुदे हैं, पूरा गांव अंडरग्राउंड है, कहीं भी गांव में नालियां नहीं है, मच्छर मक्खियों से बचाव है, और गांव में पीने पानी के लिए करीबन 1 करोड़ रुपए की पाइप लाइन भी डली है, 2 ट्यूबवेल भी लगी है, 4 ट्यूबवेल हो गए जो समय समय पर चलते हैं, 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह। और जी अभी पूरे गांव में कैमरे लग जाएंगे, कूड़े की गाड़ियां लग जाएगी जो घर से ही कूड़ा कलेक्ट करेंगे, पूरे गांव में वाईफाई लगेगा, स्कूल बहुत अच्छा हो गया है, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा सरकारी स्कूल है, जी जी जी, पानी की, लैट्रिन की, टॉयलेट की सब व्यवस्था है। पंचायत में 2 लाख पेड़ की। भाई सुंदर, ऐसे कौन सा काम रह गया जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो सका? सर एक तो स्टेडियम बनना है, एक कूड़े की गाड़ियां लगनी है जो घर से ही हम कूड़ा गांव को साफ सफाई रखेंगे, बाहर भी जाएंगे, कैमरे लगने हैं, ये हमारा मेन काम है।